जंगल में सबसे खूंखार जानवरों का जिक्र हो और उनमें टाइगर का नाम ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। टाइगर की एक दहाड़ ही जानवरों का दिल दहला देती है, मगर क्या होगा जब एक टाइगर किसी एनाकोंडा से भिड़ जाएगा? ये मुकाबला देखना तो काफी रोमांचक होगा। तो आप हमारी इस वीडियो में आखिर तक बने रहे। एनाकोंडा, इस सांप के बारे में तो आप सभी जानते ही है, ये दुनिया का सबसे बड़ा और भारी किस्म का सांप है। इनका सामान्य वजन 250 किलोग्राम तक का होता है और लंबाई लगभग 10 मीटर की होती है। और यदि हम साइबेरियन टाइगर की बात करें तो ये भी दुनिया के सबसे बड़े और भारी ताकतवर किस्म के बिल्ली है। इनका वजन 250 से 350 किलोग्राम का होता है और लंबाई लगभग 4 मीटर की होती है। मतलब कि हम इन दोनों ही जानवरों को वजन के हिसाब से एक बराबर ही मान सकते हैं। एनाकोंडा साउथ अमेरिका के अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है, जबकि टाइगर एशिया महाद्वीप में। मतलब कि आज तक ये जानवर कभी एक दूसरे के आमने सामने नहीं आए हैं। एनाकोंडा अपना ज्यादातर समय पानी के अंदर ही व्यतीत करते हैं। पानी में एनाकोंडा जमीन से ज्यादा तेज चलते हैं। इनके देखने और सूंघने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। किसी भी जिंदा जीव को एनाकोंडा उसकी गर्मी से पता लगा सकते हैं। ये पानी के अंदर एकदम से हमला करते हैं। एनाकोंडा के शिकार वो जानवर बनते हैं जो नदी के आसपास रहते हैं। ये मछली, पक्षी, जंगली सुअर, एलिगेटर जैसे बड़े जानवरों को भी अपना खाना बना सकते हैं। बता दें कि एनाकोंडा जैगुआर तक को भी खाने का दम रखते हैं। जो बड़ी एनाकोंडा मादा होती है वो कभी कभार मेटिंग के सीजन में इधर उधर घूमने वाले मेल एनाकोंडा जो आकार में थोड़े बड़े होते हैं उन्हें भी खा जाते हैं। वैसे तो एनाकोंडा बाकी के समय में अकेले रहना ही पसंद करते हैं। टाइगर भी अकेला रहना ही पसंद करता है। सिर्फ मेटिंग के सीजन में ही आप इन्हें साथ में देख सकते हैं। टाइगर बहुत ज्यादा एक्टिव किस्म का जानवर है, साथ ही ये काफी बुद्धिमान भी होते हैं। ये पल भर में ही किसी भी जानवर का शिकार कर सकते हैं। ये अपने इलाके पर पाए जाने वाले किसी भी जीव या फिर जानवर का शिकार कर सकते हैं, जिसमें एक छोटी मछली, पक्षी से लेकर एक बड़ा हाथी और भैंसा भी शामिल है। जंगल का हर जानवर इनसे खौफ खाता है। अपने गजब के ताकतवर मस्कुलर शरीर की वजह से ये किसी भी जानवर को हराने का दम रखता है। तो दोस्तों, यदि हम टाइगर और एनाकोंडा के लड़ने की बात करते हैं तो इस मुकाबले में जीत टाइगर की होगी। एनाकोंडा के पास सिर्फ जकड़ने की ही ताकत है, जबकि टाइगर के पास पंजे है, बाइट फोर्स है, साथ ही ये बुद्धिमान भी है। अगर एनाकोंडा टाइगर के इलाके में पाया जाता तब टाइगर को ये मालूम होता कि एनाकोंडा किस तरह से उसे मात दे सकता है, इसलिए टाइगर एनाकोंडा को जकड़ने का मौका ही नहीं देता। और अगर एनाकोंडा टाइगर को जकड़ भी लेता है तब टाइगर अपने नुकीले पंजों की सहायता से एनाकोंडा के शरीर को फाड़ कर रख देगा। टाइगर मौका ही नहीं देगा एनाकोंडा को, उससे पहले ही टाइगर एनाकोंडा का काम तमाम कर देगा। और यदि लड़ाई पानी में होती है तब इसमें भी कोई बात नहीं, क्योंकि टाइगर एनाकोंडा से भी अच्छे तैराक माने जाते हैं। पानी में तो टाइगर एनाकोंडा पर और भी ज्यादा भारी पड़ सकता है और 1050 PSI की बाइट फोर्स की वजह से टाइगर एनाकोंडा को फाड़ कर रख देगा। यानी कि इस मुकाबले में जीतेगा तो टाइगर ही। दोस्तों, यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तब आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि हमें यह वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। धन्यवाद।